Hello students, in this video I tell you how to solve the numerical based on color code for carbon resistance. ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम ठीक है कार्बन रेजिस्टर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे. सो कंसिडर ए एग्जाम. ठीक है, दिस इज ए कार्बन रेजिस्टर. ठीक है, ये हमारा एक कार्बन रेजिस्टर है. ठीक है, लास्ट वीडियो जो मैंने आपको सेंड की है, ठीक है, उसमें ठीक है पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कार्बन रेजिस्टर के बारे में. ठीक है, तो कार्बन रेजिस्टर में हमारे पास चार बैंड होते हैं. ठीक है, चार बैंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं. ठीक है, जो स्टार्टिंग के दो बैंड होते हैं वो हमारे फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेंगे. जो थर्ड कलर होगा बैंड का वो हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करेगा. और जो लास्ट फोर्थ बैंड होगा वो हमारा टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है हमारा. इन द फिगर 3.13 द कलर ऑफ फोर बैंड्स आर रेड 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 सिल्वर. ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आएगा कि हमें एक कार्बन रेजिस्टर दिया रहेगा. ठीक है, उसमें चार बैंड रिप्रेजेंट किए रहेंगे और उन चारों के कलर बताए जाएंगे. ठीक है, तो इस कलर को देखते हुए हमें इस कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो हम देखेंगे अब कि हाउ टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रेजिस्टर. ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए हम जो टेबल हमने आपको सेंड की है उस टेबल का यूज़ करें. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ठीक है एक वीडियो सेंड की है, उसमें भी ये टेबल है. और जो नोट सेंड की है उसमें भी हमारे पास ये टेबल है. ठीक, तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो रेड है, ठीक है, रेड कलर के लिए क्या सिग्निफिकेंट फिगर है. तो आप यहाँ टेबल में देखोगे रेड के लिए सिग्निफिकेंट फिगर है 2. ठीक है, रेड कलर के लिए जैसे ब्लैक के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 0 है, ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, रेड के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2. ठीक है, तो ठीक है सेकंड कलर भी रेड है, थर्ड कलर भी रेड है. तो इस एग्ज़ाम्पल में हमारे जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 कलर है वो क्या है, रेड रेड और रेड. तो इसलिए जो ठीक है फर्स्ट 2 बैंड है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को. तो इसलिए आप क्या लिखोगे 2 2. उसके बाद थर्ड बैंड पे आता है हमारा डेसिमल मल्टीप्लायर, यानी 10 की पावर में आपको देखना है कलर कौन सा. अगर कलर रेड है तो रेड के लिए सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर 2. अगर यहाँ पर रेड ना होकर कोई और कलर होता, सपोज ऑरेंज होता, तो फिर आप लिखते 10 की पावर 3. ठीक है, और फोर्थ बैंड हमारा रिप्रेजेंट करेगा टॉलरेंस. ठीक है, यानी रेजिस्टेंस में हमारा इतना वेरिएशन आ सकता है, यानी रेजिस्टेंस 10% ज़्यादा भी हो सकता है और 10% कम भी हो सकता है. तो टॉलरेंस के लिए कलर देखो कौन सा है, सिल्वर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेबल सिल्वर के लिए टॉलरेंस की परसेंटेज कितनी है, 10%. ठीक है, तो अब हमारा रेजिस्टेंस निकल गया है कितना, 22 × 10^2 ओम. और कितना वेरिएंस है इसमें, टॉलरेंस कितना है, ±10%. ठीक है, ठीक है, तो ऐसे हमें एग्जांपल सॉल्व करने हैं. ठीक है, एक एग्जांपल हम और सॉल्व करें. ठीक है, और जो वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो आपको सेंड की है उसमें ठीक है शॉर्ट ट्रिक बताई गई है हाउ टू रिमेंबर द कलर को. ठीक है, उसके लिए आपको ये कोड यूज़ करना है. ठीक है, देखो ये जिस ऑर्डर में है BB Roy. ठीक है, देखो BB Roy ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ. ठीक है, ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है. ठीक है, यानी इस इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को लर्न करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है. डेट इज़ BB Roy ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ. तो इसे ही हमने वर्टिकल सीक्वेंस में अलाइन किया है. ठीक है, BB Roy ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ.
ठीक है, तो हम इसे सीक्वेंस से जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से नाइन तक। तो यानी ये एक ट्रिक है कलर कोडिंग को लर्न करने के लिए, हाउ टू रिमेंबर द कलर कोड। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही जो फर्स्ट एग्जांपल में किया था, हमें एक कार्बन रजिस्टर दिया हुआ है। ठीक है, उसके स्टार्टिंग के फोर कलर दिए हुए हैं, और ठीक है हमें बताना है कि इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, येलो, येलो के लिए आप देखोगे टेबल में येलो कहाँ ही है। ठीक है, येलो के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, फोर। ठीक है, येलो के लिए सिग्निफिकेंट फिगर फोर है। ठीक है, सेकंड इसीलिए यहाँ पे कितना है, फोर। सेकंड बैंड है हमारा वायलेट, वायलेट के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सेवन। वायलेट के लिए कितना है, सेवन, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, 47। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर, 4, 7। अब मल्टीप्लाई में हमें 10 की पावर लेनी है। ठीक है, वो देखेंगे हम कलर कौन सा है। तो थर्ड प्लेस पे हमारा कलर कौन सा है, ब्राउन। ठीक है, ब्राउन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, 1। ब्राउन के लिए कितना होता है, 1। तो 10 की पावर कितनी आएगी, 1। ठीक है, अब टॉलरेंस देखना है। टॉलरेंस डिपेंड करेगी कलर कौन सा है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितनी होती है, ±5%। ठीक, तो सेम जैसे लास्ट न्यूमेरिकल सोल्व किया था ऐसे ही हमने ये सोल्व किया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप क्या करोगे, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो सेंड की है उसे आप अच्छे से वॉच करोगे। ठीक है, जो नोट्स सेंड किए हैं नोट्स को भी अच्छे से पढ़ोगे, और उनके बाद आप कार्बन रजिस्टर्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू।